हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू बिन्स इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स सो ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। एंट निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक है इसके लिए ऑप्शन ए है ऑक्सीजन ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी आयरन ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयरन आयरन एक माइक्रो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल न्यूट्रिय फॉर प्लांट्स निम्न में से कौन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व तो नहीं है इसके लिए ऑप्शन ए है जिंक ऑप्शन बी लेड ऑप्शन सी मैंगनीज़ एंड ऑप्शन डी आयरन ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2013 में पूछा था तो चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री विच क्रॉप इज मोस्ट रिच इन प्रोटीन कौन सी फसल में अत्यधिक प्रोटीन होता है कौन होता है मोस्ट रिच प्रोटीन ऑप्शन ए मिलेट ऑप्शन बी पल्स ऑप्शन सी व्हीट एंड ऑप्शन डी राइस ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा था तो चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पल्स पल्स में बहुत प्रोटीन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिटुंट ऑफ नाइट्रोजिनेस निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजिनेस का एक घटक है इसके लिए ऑप्शन ए है मैंगनीज ऑप्शन बी केमिंस पोटेशियम ऑप्शन सी एम ओ मीन्स मोलिपडेनम एंड ऑप्शन डी एम जी मीन्स मैग्नीशियम ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी दो हजार दस में पूछा था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोलिपडेनम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्लोरोसिस यूजली स क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है इसके लिए ऑप्शन ए है ड्यू टू लैक ऑफ आयरन और मैग्नीशियम ऑप्शन बी इन डार्कनेस ऑप्शन सी ड्यू टू एक्सेसिव रिस्पाइरेशन एंड ऑप्शन डी इन स्ट्रॉन्ग लाइट ये क्वेश्चन डिजिटीबाइलॉजी 2002 में पूछा था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी टू लैक ऑफ आयरन और मैग्नीशियम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स स्वाइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है क्या होता है स्वाइललेस कल्चर इसके लिए ऑप्शन ए है एक्वा कल्चर ऑप्शन बी हाइड्रोपोनिक्स ऑप्शन सी पोमोकल्चर एंड ऑप्शन डी हर्टिकल्चर ये क्वेश्चन डिजिटी बायोलॉजी 2011 में पूछा था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स सोयल स्कल्चर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेन मूल्चिंग हेल्प्स इन पलवार बिछाना सहायक होते हैं किस में सहायक होते हैं मूलचिंग इसके लिए ऑप्शन ए है फिश कल्टिवेशन ऑप्शन बी मड फार्मेशन ऑप्शन सी सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड ऑप्शन डी फर्टिलिटी ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2004 में पूछा था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोयल फर्टिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट द मेटल आयन इन्वॉल्व इन स्टोमेटल रेगुलेशन इज निम्न में धातु आयन स्टोमेटी नियमन में सहायक होता है इसके लिए ऑप्शन ए है पोटैशियम ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी आयरन ये क्वेश्चन डिजिटीबाइलॉजी उन्नीस सौ निन्यानवे में पूछा था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयरन आयरन स्टोमेटो ओपनिंग में हेल्पफुल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन ए प्लांट डिजीज ड्यू टू तो मैंगनीज डिफिशियंसी इज मैंगज की कमी से उत्पन्न पादप रोग है क्या रोग होता है मैंगनीज की कमी से इसके लिए ऑप्शन ए है खैरा ऑफ राइस ऑप्शन बी वाइट बर्ड ऑफ मेज ऑप्शन सी ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर बर्ड एंड ऑप्शन डी मॉस स्पॉट ऑफ पी ये क्वेश्चन पी जी टी बायोलॉजी दो हजार तीन में पूछा था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मॉस स्पॉट ऑफ पी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन कॉपर डिफिशियंसी लीड्स टू कॉपर की कमी से होता है क्या होता है कॉपर की कमी से इसके लिए ऑप्शन ए है इंटरविनल क्लोरोसिस ऑप्शन बी लिटिल लीफ कंडीशन ऑप्शन सी विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर एंड ऑप्शन डी एकजेंथेमा ये क्वेश्चन पी जी टी बायोलॉजी दो हज़ार इक्कीस में पूछा था अभी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एग कॉपर की डिफिशियंसी से एक होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए कमेंट्स करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद